नमस्कार, बेगूसराय टूडे में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी ठाकुर। बिहार के सुशासन बाबू एक बार फिर मानव श्रृंखला से विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक अभियान के तहत मानव श्रृंखला बनाई थी, जिसमें पूरे बिहार वासियों ने भाग लिया था, खास करके शिक्षक और स्कूली बच्चों ने। इस बार की मानव श्रृंखला 19 जनवरी यानी कि कल बनने जा रही है, जो कि 16,298 किलोमीटर में बनेगी। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन को लेकर के 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। इस मानव श्रृंखला में पिछली बार की भांति इस बार भी स्कूली बच्चे चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं विपक्ष मानव श्रृंखला को लेकर के पलटवार पे लगे हुए हैं। राबड़ी देवी ने इस मानव श्रृंखला को नौटंकी बताते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सीएम नीतीश जी ने शराबबंदी पर श्रृंखला की थी, हमने समर्थन भी किया था, लेकिन क्या उसे शराब बंद हो गई? इसी तरह पलटवार करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार गरीबों का हक खा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार गरीबों का हक छीन रहे हैं। उधर जेडीयू नेता मानव श्रृंखला के पक्ष में रखते हुए उन्होंने भी पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखिए ये वीडियो। आग्रह है इसको और कैसे हम आगे समय में इफेक्टिवली जनता के बीच ले जाएं, नई पीढ़ी के पास ले जाएं, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप तो चीजों को किस तरह से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। जो लोग जिस निगेटिव व्यू से चीजों को देखते हैं उनको सब चीज उसमें निगेटिव नजर आता है। अगर आप पॉजिटिव व्यू से चीजों को देखेगा तो हर चीज उसमें पॉजिटिव नजर आएगा। तो ये तो जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम है, इसके लिए तो पूरी तरह से बिहार विधानसभा के दोनों सदनों के सभी सदस्यों की बैठक हुई। माननीय नेता ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबके व्यूज को लिया कि हम ऐसा कार्यक्रम सबने आपने उन्मुख